नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। श्री गंगा दशहरा ये बहुत ही पावन अवसर होता है। ये वो अवसर है जब गंगा मैया शिवजी की जटा से निकल करके पहली बार धरती पर अवतरण हुई थी, यानी धरती को जो पहली बार स्पर्श किया था इसी दिन किया था उन्होंने। और सोचिए, ये धरती हमारी आस्था का केंद्र बन गई, ये गंगा हमारी आस्था का स्थान बन गई और साथ के साथ जीवन के हर कष्ट से बाहर निकालने का एक रास्ता भी बन गई। हमारे जीवन में सुकून लाने के लिए, हमारे जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे जीवन के हर कष्ट को अपने में समेट लेने के लिए, और तो और जीवन ही नहीं मृत्यु के बाद भी अस्थियों को भी हाँ अपनी गोद में समा लेने के लिए धरती पर माँ गंगा का जो अवतरण हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हाँ पूरी सृष्टि के लिए ये सौभाग्य की बात होगी। कहीं भी कष्ट आते हैं तो कहते हैं कि गंगा जल जो है वो आपके जीवन में चमत्कार करता है, डेफिनेटली करता है। और एक एक बूंद गंगा जल की आपके जीवन को दुष्ट और चुस्त दुस्त और साथ के साथ आपको सुरक्षित रखती है, बीमारियों से सुरक्षित रखती है, आपको स्ट्रेस से दूर रखती है, आपके जीवन के हर कष्ट को अपने में समेट लेती है। अब ये गंगा दशहरा जो है 9 तारीख का है, 9 जून को बहुत ही पावन समय होगा जब आप गंगा मैया की पूजा आराधना भी करेंगे, गंगा में डुबकी भी लगाएंगे, अपने कष्टों का निवारण भी चाहेंगे और साथ के साथ आपके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। सिर्फ गंगा मैया का आशीर्वाद नहीं, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। जब भी गंगा स्नान करते हैं तो आपकी देह की शुद्धि के साथ साथ आपकी आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी होती है। और यकीन मानिए, देह शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि अगर किसी जीवन के अंदर होती है तो कष्ट वहां घर नहीं करते हैं, कष्ट अपना घर ही नहीं वहां बनाते हैं। तिथि की बात करते हैं कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक की तिथि है, ताकि आप अगर स्नान की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं, आप जप तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो आपको कितने बजे से किस प्रक्रिया को शुरू करना है। अब तिथि जब हम बात करें तो दशमी तिथि, दशहरे की तिथि, दशमी तिथि कब से शुरू हो रही है? दशमी तिथि सुबह सूर्य उदय के बाद में हो रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सूर्य उदय की तिथि ना मान करके पूरे दिन की तिथि अगर उसके बीच में आती है तो भी आप इस त्योहार को बहुत अच्छे से मना सकते हो। जून की बात कर रहे हैं तो 9 जून को लगभग 8:23 से तिथि दशमी जो है वो शुरू हो रही है और सूर्य अस्त पे भी यही दशमी तिथि में रहेगी। अगले दिन सुबह सूर्य उदय तक ये तिथि रहेगी, तो इसीलिए जो गंगा दशहरा का जो पर्व आपने मनाना है वो आपने 9 तारीख को मनाना है, दशमी तिथि वहां से आरंभ हो जाएगी। और दशमी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 10 तारीख को सुबह 7:24, यानी सूर्योदय भी थोड़ी समय पहले हुआ ही होगा और दशमी तिथि आपकी समाप्त हो जाएगी। हस्त नक्षत्र जो है वो शुरू होगा आपका 9 तारीख को ही 4:31 से लेकर के, और ये समाप्ति होगी 10 जून को 4:26 सुबह ही हो जाएगी। अब ये तिथि आपको 9 तारीख को मिल रही है तो आपने ये जप तप दान जो है वो कब करना है? सूर्य उदय से पहले हम हमेशा जिक्र करते हैं कि स्नान कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने स्नान तो सूर्य उदय से पहले का बहुत अच्छा माना जाता है। और तिथि सूर्य उदय की तिथि लगभग वो होरा के साथ आप चल रहे हो तो आपको तिथि चाहे भले ही 8 बजने के बाद शुरू हो रही है लेकिन आपने स्नान अपना सूर्योदय से पहले कर लेना। बट गंगा जल के कुछ उपाय आपने पूरे दिन में जरूर कर लेने हैं, जो उपाय हम आपको बैक टू बैक अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले पूरा दिन किसी भी समय, क्योंकि ये तिथि दूसरी सुबह तक की है, 7 बजने के बाद खत्म होगी और ये तिथि आपको पूरा दिन मिल चुकी है 9 तारीख को, तो आपने पूरे दिन में किसी भी समय
अपने घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। यकीन मानिए, अगर आप हर कोने को, पूरे छत को, पूरे एक एरिया, जितना एरिया आप यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उस पूरे एरिया में आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। एक, आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और दूसरा, आपके घर के अंदर का वातावरण बहुत शुद्ध होगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, किसी भी तरीके की नजर दोष होगा वो भी आपका दूर होगा। क्योंकि ये जो अवतरण है ना, ये बहुत अमेजिंग अवतरण है, बहुत अच्छे योग बने थे जब मैया धरती पर अवतरित हुई थी। 10 योगों के बीच में माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। मेरी दूसरी वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर बहुत सारी बारीक से बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसी सिचुएशन बनी थी जब गंगा मैया भोलेनाथ की जटा में से निकल करके पहली बार धरती को स्पर्श किया था। अब दूसरा उपाय आता है कि घर के अंदर अगर आपके कोई रोगी व्यक्ति है, यानी बहुत ज्यादा बीमार रहता है, शारीरिक बीमारियां बहुत ज्यादा है, मानसिक बीमारी वालों का अलग उपाय है, शारीरिक बीमारियां जिन्हें बहुत ज्यादा रहती है, बैक टू बैक मेडिसिन चलती रहती है, डॉक्टरों के चक्कर है, कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, हो सकता है वो बीमार अवस्था में हो तो स्नान नहीं कर पा रहे हो, बट उनके कपड़ों के ऊपर, जितने उनके कपड़े घर में वो यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उन सारे कपड़ों के ऊपर आपने गंगा जल का थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, किसी बॉटल में, स्प्रे वाली बॉटल में भी डाल दीजिए, वैसे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, और हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के भी आप उनके कपड़ों के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। और दूसरा, अगर रोगी व्यक्ति घर के अंदर ही है तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा छिड़काव जरूर कर दीजिएगा गंगा जल का, कुछ बूंदों का। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारा उनके ऊपर गंगा जल डाल दीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा, मात्र कुछ बूंदे आप उनके ऊपर, एक बूंद से कहते हैं कि गंगा जल जो है पूरी बड़ी बकेट भरी हुई पवित्र कर देती है, तो सोचिए एक बूंद के अंदर कितना असर है। तो मात्र कुछ बूंदे ही आप उनके ऊपर छिड़काव कर दीजिए, उनके कपड़ों पे स्पेशली पूरा छिड़काव कीजिए, उनके बिस्तर पर भी इसका छिड़काव जरूर कीजिएगा। मानसिक स्थिति, और सबसे ज्यादा इंसान हमेशा अगर ये कहते हैं ना कि फिट रहे, वो मानसिक तौर पर फिट ज्यादा रहना चाहिए, शारीरिक भी अपनी जगह एक महत्वता रखता है, लेकिन माइंड अगर हमारा बैलेंस में होता है, माइंड अगर हमारा कूल होता है, माइंड अगर हमारा ठीक होता है, तो हमारा हर फैसला सही होता है। कभी हम गलत फैसलों का चुनाव नहीं करते, और वही फैसले हमारी जिंदगी में एक बहुत ही सही दिशा की तरफ हमें लेकर के चलते हैं। तो अगर मानसिक तौर पर आप बीमार रहते हैं, किसी भी तरीके की परेशानी अगर आपको झेल रहे हैं आप, या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, वो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इंसान खुद विचलित तो होता है वो दूसरों को भी परेशान करता ही है, अगर ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी आपके हो रही है, तो माँ गंगा का नाम लेकर के भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते हुए आप उस व्यक्ति को इस दिन से, 9 तारीख से, 9 जून से गंगा जल थोड़ा सा पिलाना शुरू कर दीजिए। 40 दिन लगातार 1-2 बूंद उन्हें गंगा जल का जो सेवन है वो हर दिन कराइए। यकीन मानिए, बड़े से बड़ा डिप्रेशन, बड़े से बड़ी मानसिक स्थिति जो कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है, वो सब दुरुस्त हो जाएगी और एकदम स्वस्थ होने लगेगा व्यक्ति, उनका माइंड बहुत अच्छा कंट्रोलिंग में आने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, घर का मुख्य द्वार अपना पवित्र कीजिए। कई बार होता है कि घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, पर बाहर तक नेगेटिविटी रहती है, तो गंगा जल के थोड़े से छींटे आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर भी करने हैं। इससे आपके घर के अंदर आने वाला हर झोंका बहुत ही पॉजिटिव होगा, और ये उपाय आपने 9 तारीख को करने हैं। दान में कोई परहेज नहीं है, कितना भी दान कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है दान कर सकते हैं, लेकिन स्नान टाइम पर कीजिए, घर में छिड़काव कीजिए, गंगा जल का प्रयोग कीजिए, और अपने जीवन को सही बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब जब कुछ ऐसे इवेंट आते हैं, अगर हम कुछ उपाय रेमेडीज करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। हर सुबह 6 बजे मेरे ही यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप राशिफल जरूर देखा करें, और साथ के साथ उसके अंदर एक ऐसा दिव्य अक्षर बताया जाता है जिसका यूटिलाइजेशन, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में करते हैं तो दिन आपका बहुत ही बैलेंस रहता है, आपका दिन बहुत ही चमत्कारी रहता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे होते हैं तो आपको एक पॉजिटिव रास्ता, एक वे देता है। तो हर सुबह 6 बजे मेरी सारी वीडियोस को आपका राशिफल, आपके ग्रह, आपका ट्रांजिट और साथ के साथ लकी अक्षर आपके लिए होगा, और बर्थडे की विशेष के साथ साथ कुछ खास छोटा सा उपाय भी जरूर होगा। हर सुबह 6 बजे मेरी सारी वीडियोस जरूर देखा करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।